अगर मैं बात करूं इसके लोड कैपेसिटी की तो 1500 ग्राम की इसकी लोड कैपेसिटी है, और अगर मैं हाइट रेंज की बात करूं तो 200 से 300 mm के बीच की इसकी हाइट रहती है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दीपक नेगी। सो आज का जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है अनबॉक्सिंग का। मैं करने वाला हूं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और फाइनली पहुंच गया है। तो अगर मैं आपको बता दूं, इस प्रोडक्ट का जो नाम है ये है ट्राइपॉड, और साथ में इसके साथ मिलता है एक माइक और एक ब्लूटूथ। तो इन्हीं की आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स है, क्या इसकी क्वालिटी है और क्या इसकी लोड कैपेसिटी है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यार, अगर आप लोग ब्लॉगर हैं या फिर न्यू वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, या फिर आप बिगनर्स हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक माइक और एक ट्राइपॉड का होना। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से मैंने ऑर्डर करवाया था। तो अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूँ तो ये 614 रुपये का है, और इसका जो ब्रांड है वो है सप्टन का, और साथ ही साथ इसमें मिलता है एक माइक, कॉलर माइक, और साथ में एक ब्लूटूथ। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात करूँ तो एवरेज है, जितना एक्सपेक्ट किया था इस रेंज में, तो उसके लिए काफ़ी है। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जब तक मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। इसे अनबॉक्सिंग करना कुछ ज़्यादा ही। तो गाइस, मैंने इसको ओपन कर लिया है, देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलता है। तो ये है वो प्यारा सा गोरिल्ला ट्राइपॉड। अभी इसको रखते हैं साइड में, तो देखते हैं और क्या क्या है इसमें। इसमें तो कुछ नहीं है, जो भी है इसी के अंदर है। हमें इसे भी अभी ओपन करना पड़ेगा। बाहर से देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन जो बाहर से पैकेजिंग लग रही थी उसके अंदर की जो ये वाली पैकेजिंग है, तो हाथ में लेते ही मुझे फील आ रहा है कि नहीं, वाह, फ्लिपकार्ट वालों ने बहुत अच्छी पैकेजिंग की है इसकी। तो अभी इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये तीन प्रोडक्ट आपको इसी रेंज में, सेम रेंज में मिल जाते हैं ये तीन प्रोडक्ट। तो मैं कहूँगा कि अगर आप बजट ट्राइपॉड लेना चाहते हैं, मिलता है वो है कॉलर माइक, जो 1.5 मीटर लंबा है, जिससे कि आपकी वॉइस और ज़्यादा बेहतर बन सकती है वीडियो में। तो फिर हम इसको रखते हैं साइड पे। ये देख लेते हैं हमारा जो माउंट है, माउंट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सप्टन का है, यहाँ पे इसका ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है सप्टन। सो पहले इसको एक बार हम फोन में फिक्स करके देख लेते हैं। काफ़ी टाइट है, ये टाइट लग रहा है और काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। सो गाइज, अभी देखते हैं हम इस माउंट में फ़ोन को लगा के किस तरह से फिट बैठ पाता है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये काफ़ी टाइट है, तो बहुत अच्छे से ये फिट बैठ गया है, आप देख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका अमाउंट। तो एक बार साथ ही साथ इसमें मिलता है हमें सेल्फी रिमोट, तो इसको भी हम साथ ही साथ चेक कर लेते हैं। जो ऊपर का बटन है ये है iOS के लिए, और नीचे का है एंड्रॉयड के लिए, और साथ में साइड में आपको मिलता है ऑन ऑफ का बटन। तो देख लेते हैं एक बार इसको चेक करके कि किस तरह की ये फ्रिक्वेंसी देता है, क्विक देता है या फिर स्लो देता है। तो कर लेते हैं हम इसका फोन का ब्लूटूथ ऑन। तो यहाँ से इसका पावर ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि पावर ऑन हो रहा है, तो ब्लू कलर की आपको ब्लिंक करती हुई लाइट दिखाई दे रही है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ।
सर्चिंग मोड पे है अभी, तो इसका ये आ गया है नेम, तो हम इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो कनेक्ट होने में भी टाइम ले रहा है, अभी देखो काफी जल्दी पेयर का ऑप्शन आ गया है, तो हम पेयर कर लेते हैं और ये पेयर भी हो चुका है। तो एक बार चलते हैं हम अपने कैमरा पे, तो देखते हैं कि वाकई ये वर्क करता है या नहीं। सो गाइज, मैंने कैमरा ओपन कर लिया है, तो देखते हैं किस तरह से वर्क कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये ब्लूटूथ कितना क्विक रिस्पॉन्स देता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी क्लिक हो रहा है, तो एक बार हम वीडियो पे देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है। तो गाइस, ये है हमारा फाइनली फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड, गोरिल्ला ट्राइपॉड। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग ही रहा है ये, इसका कॉम्बिनेशन जो रेड और ब्लैक का है तो काफ़ी अच्छा है, तो देख सकते हैं आप। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम खोल के, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं जहाँ मर्जी इसको मोड़ो, तोड़ो मरोड़ो, जो मर्जी करो इसके साथ, काफ़ी ये फ्लेक्सिबल है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ इसके जो फीचर्स है, ये मिल जाता है आपको 360 डिग्री एंगल, जिससे आप आसानी से वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये है इसका जो भी स्क्रू है, जिससे आप टाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कस सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ये जो प्रोडक्ट है मुझे लगा, तो एक बार इसको यूज़ करके भी हम देख लेंगे। तो मैं कहूँगा कुल मिलाकर जो ये सबटन कंपनी का जो ट्राइपॉड है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसे आप किसी भी तरह किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके लोड कैपेसिटी की, तो 1500 ग्राम की इसकी लोड कैपेसिटी है, और अगर मैं हाइट रेंज की बात करूं तो 200 से 300 mm के बीच की इसकी हाइट रहती है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके साथ ही जो आपका माउंट है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं एक बार। अगर आपने डायरेक्ट शूट करना है सीधा, तो आप इस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया था कि कितना स्ट्रेचेबल है और कितना टाइट है ये इसका माउंट, तो इसे आप किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रू आपको ढीला करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।